देश के आजादी के बाद हमारे यहां गांव छोटे छोटे और छोटे होते गए और शहर लगातार बड़े बड़े और बड़े होते गए और इस विधा को इस समस्या का निदान अगर किसी ने किया, इस समस्या को अगर किसी ने समझा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा। उन्होंने गांव के लिए सड़कें, बिजली, पानी, गरीबों के लिए मकान, उसमें गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, उज्ज्वला योजना, लाइट और यहां तक कि उसके इलाज की व्यवस्था, किसान को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए 6,000 रुपये का एक पुरस्कार, ये सारे के सारे जो योजनाएं, सारे के सारे काम जो किए हैं गांव को, गरीब को, मजदूर को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ ही और भी कई नवाचार उन्होंने किए हैं, जैसे मिट्टी का परीक्षण, पहली बार देश में पहली बार हर किसान के बारे में विचार हुआ, हर किसान मिट्टी का परीक्षण करवाए। लेकिन महोदय, इसमें कुछ विसंगतियां है, उसका भी थोड़ा हम ध्यान रखें, सरकार थोड़ा उसके लिए और विचार करे कि जो मिट्टी के परीक्षण होते हैं, दरअसल में इसका सत्यापन करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, नहीं तो ये नवाचार जो हो रहा है इसके प्रति किसानों का आकर्षण भंग होगा और ये जो लोच है, जो व्यवस्था है, कहीं अधर में नहीं रह जाए, इसलिए इसका पुनर्सत्यापन होना चाहिए कहीं ना कहीं। साथ ही अगर किसान की आय को हमको दोगुना करना है और प्रधानमंत्री जी का सपना भी है, सरकार की योजना भी है, उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन किसान के पास जो चीजें हैं, जो उपलब्धता है, उसका पूरा का पूरा उपयोग कैसे हो। अनाज वो पैदा कर लेता है, लेकिन अनाज पैदा करने के बाद जो कृषि अवशिष्ट बचता है उसका उपयोग होना चाहिए, उसके लिए जैविक खाद कैसे बने, इसकी व्यवस्था विशेष सहयोग देकर के, अनुदान देकर के हर किसान को जैविक खाद बनाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इसी के साथ गोबर गैस के ऊपर सब्सिडी, विशेष अनुदान ये देने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो बीज हैं, बीज, परंपरागत बीज आज भी किसान बो रहा है, इसलिए जितनी बीज उत्पादक कंपनियां हैं वो उतना बीज किसान को उपलब्ध नहीं करा पाती और ऐसा अपने घर का बीज ही किसान बोता है, तो उसको अच्छे उपचारित बीज ये कैसे मिले, इसकी भी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। इसी के साथ साथ चाहे गाय का गोबर होगा, गोमूत्र होगा, इससे कीट नियंत्रक, नीम की निमोली, इसके जो केवीके के माध्यम से कुछ कीट नियंत्रक दवाइयां कैसे बने, इसका प्रशिक्षण भी किसानों को अगर हम देंगे। एक मिनट,